हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। मेरे साथ हैं अमर सिंह जी, जो कितने साल के हैं आप? 27। ये हैं 27 साल के, और आज हमने इनका ट्रीटमेंट स्माइल मेकओवर, भाई डिजिटल स्माइल मेकओवर बोलते हैं यार। दो विनियर्स लगाए हुए थे इन्होंने लैटरल में, ही वाज नॉट वेरी हैप्पी। बाकी की पूछते हैं, इनसे भी थोड़ा पूछ लें थोड़ा सा। हाँ जी बताइए अमर भाई, पहले तो ये बताइए कि मेरे बारे में पता कैसे लगा? मैं सर देख ही रहा था कि दिल्ली के सबसे बेस्ट डेंटिस्ट करके, तो यूट्यूब में मैं सर्च किया, लिस्ट में स्क्रॉल किया पूरा। आपके कई सारे वीडियोस उसमें थे विनियर्स के, उनके रिजल्ट्स भी थे, मैंने देखा, एनालाइज किया, फिर आपका नंबर निकाला मैंने, फिर आपसे बिफोर आफ्टर देखे, फिर एनालाइज किया, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट किया। हाँ, मैंने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मतलब सेटिस्फेक्शन मुझे मिलेगा जैसा मुझे चाहिए। ओके, तो मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि रिजल्ट है, मुझे बहुत कैसा लग रहा है? बेस्ट, पहले से दूर बहुत से लिशकारे भी मार रहा है, स्माइल भी अच्छी मिल रही है, और शेप साइज अकॉर्डिंग टू योर फेस, अकॉर्डिंग टू योर स्माइल प्रोफाइल एकदम जच रहा है। तो जब शुरू में आए थे तो मेरे व्यूअर्स को बताएंगे ना क्या प्रॉब्लम थी? शुरू में सर मैंने क्या किया था कि दो विनियर्स लगाए थे लैटरल में। हाँ, जो भी बोलते हैं, जो हमारे सेंट्रल के साथ वाला दांत होता ना, वो लैटरल इंसाइजर होता है, मैं उसको बता रहा हूँ। उन्होंने क्या किया कि इनकी सबसे पहली गलती थी कि कलर मिसमैच था। कलर मिसमैच जी। दूसरी गलती ये थी कि जब मैं स्माइल कर रहा था तो मेरे आगे के सिर्फ चार दांत विजिबल हो रहे थे, पीछे के कैनाइंस लेके छुप गए थे, कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। तो ये याद रख लो कि एक तो कलर का बहुत बड़ा लोचा है, जो आपको कलर शेड मैचिंग है, बहुत सारे ढेर सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं पेशेंट के लिए भी और डेंटिस्ट के लिए भी, वो भी आप देख लो, मेरे इस बेल आइकॉन पे प्रेस कर देना, लिंक वहाँ मिल जाएगा। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि शेप साइज मैच करना चाहिए और दांतों के साथ। और जब ये स्माइल करते थे तो क्या बोला है कि वो जो दो दांत थे ना, वो पीछे के दांत दिखते नहीं थे। और कुछ दिन बाद मेरा जो राइट साइड वाला जो विनियर था वो अपने आप रिमूव हो गया। रिमूव हो गया। ओके ओके, वो तो बॉन्डिंग हो सकता है कि ना हो तो वो रिमूव हो जाता है। ओके, उसके बाद और दूसरी चीज पता नहीं उन्होंने घिसने में क्या दिक्कत की थी मुझे। जैसे वो पड़ता ना प्रेशर, मुझे पेन फील होता था और ठंडा गर्म भी लगता था। तो अब तो सब ठीक ही लगा। सब ठीक है। तो एक तो ना बड़ा ज़रूरी स्टेप है कि भैया आपको वैक्सअप, डिजिटल वैक्सअप भी ज़रूरी है। आप सिर्फ जो जो कटिंग करते हैं ना, वो अंधाधुंध नहीं करते हैं, वो तुक्केबाजी नहीं करते हैं, वो गाइडेड करते हैं। गाइडेड ट्रायल स्माइल के ज़रिए आपके पास पता लग जाता है कि कितना आपको दांत रिड्यूस करना है, विनियर के लिए कितना प्रिपरेशन करना है। उसके बाद पेशेंट को प्री ऑप पोस्ट ऑप ज़रूर दिखाना है, रिलेट कर पाएंगे कि स्माइल मेकओवर कैसे होने वाला है, कैसे दिखेगा, दांत के साथ मर्ज कितना हो रहा है, शेप साइज कॉन्टोर कैसे दिख रहा है, तभी पेशेंट को अच्छा लगेगा। और आई थिंक बहुत मेहनत लगती है ऐसे स्माइल मेकओवर में। पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट है ना, पेशेंट को क्या चाहिए, कैसे यंग पेशेंट है यार, ही वॉन्ट्स टू स्माइल, कुछ भी खा सकता है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी मेंटेनेंस आपके ऊपर है, फ्लॉस जैसे मैं पहले इनको बताया नहीं गया था, फ्लॉस करना है, ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आपने कोई भी कैप लगाया हुआ है या प्रोसेसिस लगाया हुआ है, यू हैव टू फ्लॉस, वो क्लीन करना आपका काम है। ब्रशिंग नॉर्मल माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, बट फ्लॉस सबसे ज़रूरी है। अपने नेचुरल दांतों में भी फ्लॉस करना है, और वीनियर्स जब लगते हैं तब भी फ्लॉस करना है। तो मेरे जो पेशेंट है ना, तुमसे रिलेट कर पाएंगे, कुछ कहना चाहेंगे स्माइल मेकओवर वीनियर्स के बारे में कि पेनलेस है या पेन बिल्कुल मेरे को पता नहीं लगा, या क्या प्रोसीजर, मतलब व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? पेन की बात करूं तो पेन तो नहीं होता है। सब कुछ जब मैं यहाँ पे, जब मेरा स्कैनिंग हो रहा था, आई कैन वाइब्स फील कि सब कुछ सिस्टमेटिक हो रहा है जैसे होना चाहिए। मतलब मालूम नहीं है, जानकारी नहीं, बट ईमेल मिल गया आपको अपना स्कैन? अभी तो नहीं मिला। विल गिव यू द स्कैन एज वेल एज फाइनल जो पोस्ट ऑप है आपके पास मिल जाएगा। बाकी मुझे पूरे ट्रीटमेंट में कोई भी इशू नहीं आया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, सब अच्छे से हुआ। तो एक बार स्माइल कर दे मेरे पेशेंट्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए एक अच्छी स्माइल, एक मेकओवर, पेशेंट्स स्माइल स्टोरीज। भाई एलेक्सा ने तो बोला यार स्माइल करो, तो एलेक्सा की बात माननी पड़ेगी। स्माइल मेकओवर के साथ ढेर सारे केसेस, एक और रीट्रीटमेंट का केस जहाँ पे पेशेंट की हमने दोबारा से कैसे स्माइल ट्रांसफॉर्म की, पेशेंट ने पहले विनियर लगाए थे, क्या दिक्कत थी, फिर उसको हमने दोबारा से रीशेप किया, रीकॉन्टोर किया और रीडिज़ाइन किया। तो वही को, उसी को बोलते हैं डिजिटल स्माइल मेकओवर। तो बहुत सारी स्माइल स्टोरीज, बहुत सारे पेशेंट केसेस, बहुत सारे लाइव केसेस, मैंने इस केस का पूरा डॉक्यूमेंट किया है, कैसे हमने ट्रांजिशन लाइन क्रिएट की, क्या क्या मिस्टेक्स थी पहले और अब हमने क्या उसको ठीक किया, फॉर माई डेंटिस्ट फ्रेंड्स, उनको एजुकेट करने के लिए। तो अच्छा लगता है ना, केसेस डॉक्यूमेंट भी होते हैं, आपको पता भी लगता है जर्नी कैसी है।
फेलो डेंटिस्ट के लिए पूरी सीरीज मैंने बनाई है, मेरे कोर्सेज भी नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहे हैं, डेंटल कोर्सेज दिल्ली मेरी साइट है, और स्माइल डिजाइन के बहुत सारे केसेस हैं। तो अच्छा लगता है, एजुकेट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स को बताना। तो अगर फिर भी अमर सिंह वाली स्माइल चाहिए ना, यंगिस्तान एकदम प्यारी वाली स्माइल, तो किसका इंतजार कर रहे हैं? चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बिल्कुल लाइक करना है जी। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।